काशी हिंदू विश्वविद्यालय के फाइनेंस एंड इकोनॉमिक थिंक काउंसिल के संस्थापक और अध्यक्ष विक्रांत सिंह ने एक टिप्पणी की थी। उनका कहना था कि अगर आंकड़ों के लिहाज से देखें तो पूर्ववर्ती मनमोहन सरकार और वर्तमान मोदी सरकार के 5 वर्षों में आर्थिक मोर्चे पर कुछ क्षेत्रों को छोड़कर कोई बड़ा अंतर दिखाई नहीं पड़ता है। हालांकि नोटबंदी और जीएसटी जैसे बड़े आर्थिक कदम मोदी सरकार ने जल्दबाजी में अगर नहीं उठाए होते तो आज अर्थव्यवस्था का आकार पहले से और भी बेहतर हो सकता था। यह टिप्पणी साल 2019 के दिसंबर में आई थी, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार को 5 साल पूरा हो चुका था और फिर से लोकसभा में पूर्ण बहुमत की सरकार उनकी बन चुकी थी। देश में दो धारा है, एक धारा है जो लगातार नरेंद्र मोदी पर क्रिटिसाइज करता है, उन पर कटाक्ष करता है, व्यंग करता है, और एक दूसरा धारा है जो पूर्व में जो सरकार थी कांग्रेस की, मनमोहन सिंह जो कि एक बड़े अर्थशास्त्री है, सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया उनको एक अच्छे इकोनॉमिस्ट के रूप में जानती है, जब वो देश का नेतृत्व कर रहे थे और आज जिस सत्ता के हाथ में नेतृत्व है, यानी नरेंद्र मोदी के हाथ में जो नेतृत्व है, दोनों के बीच क्या अंतर आया है। अंतर हर एक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, एयरलाइन सेक्टर हो, जीडीपी ग्रोथ हो, महंगाई दर हो, तमाम जो मुद्दे होते हैं, इसमें क्या बुनियादी फर्क दिखा है। हम बात करेंगे साल 2009 से साल 2014, यानी जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, और साल 2014 से 2019 तक के आंकड़े मैं आपके सामने रखूंगा, साथ ही साथ 2021 के भी कुछ आंकड़े आपके सामने रखूंगा। लेकिन चूंकि पिछले 1.5-2 सालों से कोविड चल रहा है, इसलिए यह इमरजेंसी जैसा माहौल है, एक ऐसा माहौल है जब अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है, नौकरियां खत्म हो चुकी हैं, इसलिए हम 2019 तक के का बात करेंगे, लेकिन जहां जरूरत होगी वहां हम 2021 के आंकड़ों को भी आपके सामने जरूर रखेंगे। यह तुलना होगी उन 5 सालों से, इन 5 सालों का, यानी मनमोहन सिंह का 5 साल और नरेंद्र मोदी का जो 5 साल है। लेकिन उससे पहले अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम उदित तारण है और आपने द इंडिया टॉप देखना शुरू कर दिया है। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं जीडीपी से। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आपको बता दें कि मोदी सरकार और पूर्व में मनमोहन सरकार की पहली तुलना जीडीपी वृद्धि दर से ही की जानी चाहिए। वर्ष 2009 से 2014 के बीच अर्थव्यवस्था औसतन 6.7% की दर से बढ़ रही थी, वहीं मोदी सरकार में भारतीय अर्थव्यवस्था आज 2014 से 2019 के बीच 7.5% की दर से बढ़ी है, यानी ये 2 साल पहले की रिपोर्ट है। वहीं अगर हम आज की बात करें, यानी 2021 के जून में जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार 10.21% के हिसाब से जीडीपी जो है वो बढ़ रही है, यानी हम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है इसमें जीडीपी का जो ग्रोथ है वो अच्छा है। आपको बता दें कि मोदी सरकार में जीडीपी की विकास दर सराहनीय इसलिए भी है क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था ने नोटबंदी और जीएसटी जैसे ढांचागत सुधारों को भी देखा है, इससे अर्थव्यवस्था की विकास दर पर प्रभाव पड़ा है और विश्व के बड़े अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान भी भारतीय की विकास दर की को लेकर सकारात्मक अनुमान ही जता रहे हैं। तो जीडीपी जो है वो साल 2019 हो या फिर साल 2021, लगातार जीडीपी जो है वो बढ़ ही रही है अगर इसकी तुलना हम करते हैं मनमोहन सिंह की जो कार्यकाल था उससे। अब अगले सेक्टर पर चलते हैं, यानी ऑटोमोबाइल सेक्टर। ऑटोमोबाइल सेक्टर में किस तरह का प्रदर्शन रहा है पिछले 7 सालों में और उसके पहले जो 5 साल रहा है उसमें, देखिए दोनों सरकार की तुलना में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को भी आप ले सकते हैं। मनमोहन सरकार में मोटरसाइकिल की बिक्री भी 12.44% प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ रही थी, वहीं यह वृद्धि जो है वो 2021 की बात करें तो घटकर 5.35% पर आ चुकी है। आप खुद तुलना कर लीजिए कि मनमोहन सिंह के समय में जो दो पहिया होता था, जो टू व्हीलर होता था, उसका जो रेट था, सेलिंग रेट, वो लगभग 12.44% था और 2021 में यह 5.35% पर पहुंच चुका है। कहीं ना कहीं मोटरसाइकिल बिक्री में आई गिरावट ग्रामीण अर्थव्यवस्था में चल रही उदासी को भी दर्शा रहा है। वहीं सरकारी अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से घरेलू कार बिक्री के आंकड़ों को लिया जा सकता है। मनमोहन सिंह के दौरान जो गाड़ी का जो फोर व्हीलर था उसका जो सेल था वो 7.92% था, यानी 7.92% साल 2014 से पहले और 2009 के बाद जो 5 साल था, और पिछले 7 सालों की बात करें तो यह आंकड़ा जो है वो 4.42% यानी 4.42% पर आ गया है। यानी दो चार पहिया हो या फिर चार पहिया, दोनों में
जितना सेलिंग था मनमोहन सिंह के समय में उसका आधा हो चुका है नरेंद्र मोदी के समय में। अब चलते हैं हम तीसरे सेक्टर की तरफ जो कि एयरलाइन सेक्टर है। देखिए एयरलाइंस कहा जाता है कि एयरलाइंस अपने सबसे अच्छे दौर से कभी गुजरा तो वो मनमोहन सिंह का समय था, यानी साल 2004 से 2014 और खासकर 2009 के बाद का जो काल था वो सबसे अच्छा माना जाता है एयरलाइंस को लेकर। मोदी सरकार को एयरलाइंस के क्षेत्र में मनमोहन सरकार से कहीं अधिक सफलता हासिल हुई, लेकिन इसकी शुरुआत मनमोहन सिंह के समय हो गई थी। एयरलाइंस में आज यात्रियों की संख्या मनमोहन सरकार से कहीं ज्यादा है। मनमोहन सरकार में एयरलाइंस यात्रियों की बढ़ोतरी 9.2% के आसपास थी और वहीं अगर हम आज की बात करें साल 2021 की तो यह बढ़कर 15.28% हो चुकी है। अब चलते हैं अगले सेक्टर की तरफ। अगला सेक्टर जो है हमारा वह है प्रत्यक्ष कर संग्रह यानी डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है उसकी हम बात कर लेते हैं। प्रत्यक्ष कर संग्रह के आंकड़ों को लेकर सरकार हमेशा पूर्ववर्ती सरकार से ज्यादा का दावा करती रही है। अगर कुल बढ़ोतरी देखें तो पिछली सरकार की तुलना में प्रत्यक्ष कर संग्रह मोदी सरकार में अधिक हुआ है, लेकिन फीसदी में हुई बढ़ोतरी को देखें तो सरकार का यह दावा थोड़ा कमजोर पड़ता है। यानी जो साल 2009 से 2014 था उसमें जो डायरेक्ट टैक्स था उसका कलेक्शन करीब 17.53% हुआ है और साल 2004 में जब मई के महीना में प्रधानमंत्री बन जाते हैं नरेंद्र मोदी उसके बाद आज तक का जो आंकड़ा है डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का हुआ करीब 16.85% है। अब चलते हैं अगले सेक्टर की तरफ जो कि हमारा पांचवा सेक्टर है, यह हाईवे निर्माण। अब देखिए यह देखने से भी हमें समझ में आता है कि जो हाईवे निर्माण जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था रोड का 2004 से 2014 के बीच में उससे बहुत ज्यादा यूं कहें कि लगभग दोगुना रफ्तार से आज काम हो रहा है। हाईवे निर्माण के क्षेत्र में मोदी सरकार ने बाजी मार ली है। जी हां, इस क्षेत्र में हुए कार्य की प्रशंसा विपक्ष भी करता है, नितिन गडकरी को इसका श्रेय जाता है। बिल्कुल मनमोहन सरकार के दौरान 2009 से 14 के बीच 20,639 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हुआ था, यानी 5 सालों में 20,639 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ था। और अगर हम सिर्फ आंकड़ों की बात करें 2014 से 2019 के बीच में तो यह आंकड़ा लगभग डबल हो चुका है, 44,389 किलोमीटर हाईवे बन चुके हैं। और साल 2021 तक में अगर आते हैं तो यह आंकड़ा लगभग 60,000 किलोमीटर सड़क जो है वो पिछले 7 सालों में बना है। यानी मनमोहन सिंह के 5 साल और नरेंद्र मोदी के 7 साल में तिगुना ग्रोथ देखने को मिला है। चलते हैं अगले सेक्टर की तरफ और यह अंतिम सेक्टर है महंगाई। एक बेहद अहम मुद्दा क्योंकि यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक भारतीय से कनेक्टेड है, चाहे वो गांव में रह रहा हो, किसी टोली में रह रहा हो या फिर दिल्ली के ला मेरिडियन में क्यों ना रह रहा हो, महंगाई सभी पर असर डालती है। तो महंगाई का क्या दर है, मनमोहन सिंह के समय क्या था और आज क्या है, इस पर हम आंकड़ों से बात कर लेते हैं। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पैमाना है जो कि इन दोनों सरकारों के बीच तुलना करने लायक है वो है महंगाई दर। इस मामले में मोदी सरकार ने अप्रत्याशित सफलता हासिल की थी 2019 तक। 2014 में खुदरा महंगाई का दर 7.72% था जो कि 2019 आते आते तक मात्र 2.57% ही बचा था। अब सोचिए कितना महंगाई दर जो है वो कम हो गया था, यानी इन्फ्लेशन पर कंट्रोल हो गया था, चीजें सस्ती हो गई थी। लेकिन आज की अगर हम बात करें साल 2021 के इस सितंबर माह की 6 तारीख की, तो महंगाई दर जो है वो 10.49% हो चुका है जो कि ऐतिहासिक है। पिछले 50 सालों में इतना महंगाई दर कभी नहीं हुआ था जितना पिछले 6 महीने में हो गया है। आप आम दिन में भी देखते हैं, हमारा पेट्रोल हो, सिलेंडर हो, सरसों तेल हो, साग सब्जी हो, कोई भी प्रोडक्ट हो जो कि डेली यूज में है, वो सभी का जो कीमत है वो बेतहाशा वृद्धि की तरफ बढ़ रहा है। और फिलहाल सरकार इस पर कंट्रोल लगाने के नियत में दिख भी नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं मनमोहन सरकार जो थी वो आज के संदर्भ में महंगाई में कंट्रोल कर रही थी और 2019 तक नरेंद्र मोदी की सरकार भी इस पर कंट्रोल कर रही थी, लेकिन आज यह कंट्रोल खत्म हो चुका है और आम जन जो है वो परेशान है। तो यह रहा तुलना। देखिए ये बेसिक 6 सेक्टर है जिसके आधार पर हम अपने देश के इकोनॉमी को समझ सकते हैं कि आखिरकार जो लगातार क्रिटिसिज्म होते रहता है कभी मनमोहन सिंह का कभी नरेंद्र मोदी का, तो इन आंकड़ों से आप समझ चुके होंगे कि किसकी सरकार ज्यादा बेहतर रही और किसकी सरकार ज्यादा अच्छा से इस देश को चला सकी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। विश्लेषण हमें कैसा लगा है आपको हमें जरूर बताइएगा, हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है।
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो, अगर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक फॉलो करें। धन्यवाद।